सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब तक आपने देखा कि साई जब विनायक को बचा लेती है तो वो चौहान निवास में ही आकर रहने लग जाती है क्योंकि उसका आउट हाउस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका होता है। पिछले एपिसोड में आपने ये भी देखा होगा कि विराट, विनायक, साई और सभी एक साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि साई किचन में आती है जिससे उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और साथ में विराट के साथ बीते हुए पल भी याद आते हैं, जिसके बाद वहाँ भवानी आती है और साई को किचन में देखकर पहले तो बहुत खुश होती है और बाद में अपने लिए एक कप चाय बनाने के लिए बोलती है। भवानी के बाद वहाँ काकू आती है और काकू जब साई को चाय बनाता हुआ देखती है तो चाय के साथ पोहा बनाने के लिए बोलती है और यह भी बोलती है कि तुम्हारे हाथ के पोहे का कोई जवाब नहीं है। काकू के तुरंत बाद वहाँ करिश्मा आती है और मोहित के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए बोलकर चली जाती है, जिसके बाद सब लोग डिनर टेबल पर साई के बनाए पोहे की तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पाखी आती है थाली बजाते हुए और बोलती है जिसको जो बनवाना है मुझसे बोले क्योंकि इस घर की बहू मैं हूँ ना कि साई। पाखी साई को यह बात बोलती है कि तुम इस घर में मेहमान हो तो मालकिन बनने की कोशिश मत करो, जिसपे साई बोलती है मैं यहाँ मालकिन बनने नहीं आई, अपने बच्चे को वापस लेने आई हूँ। जिसके बाद साई जब अस्पताल जा रही होती है तब रोड पे जाम लगा होता है कमिश्नर की वाइफ की तबीयत खराब होने के कारण। तभी वहाँ साई की मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से होती है जो कि गुम है किसी के प्यार में का नया किरदार है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी साई के रूम के बाहर गेस्ट रूम लिख देती है, लेकिन साई को अब कोई गेस्ट मानता नहीं है, साई को अब घर का हिस्सा ही माना जाता है। और तो और आने वाले एपिसोड में आपको साई के साथ नए किरदार की कुछ दिलचस्प बातें भी देखने को मिलेंगी क्योंकि ये नया किरदार कोई और नहीं डॉक्टर है और इसकी जोड़ी साई के साथ खूब जमने वाली है। लेकिन अगर इसकी जोड़ी साई के साथ जमेगी तो क्या विराट साई से दूर हो जाएगा, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो।